22 साल के अथक प्रयास से यूनिक ग्रुप नागपुर ने बनाई अपनी अलग पहचान। जीवन में सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति प्रयासरत मिलता है, पर सफलता पाना हो तो मन में सच्ची लगन, अथक विश्वास हो, सफलता जरूर मिलती है। ऐसा मानना है डॉक्टर रिचा यूनिक क्लिनिक की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रिचा जैन का। 6 अप्रैल 2000 में प्रथम क्लिनिक गांधीबाग में जर्मन टेक्नोलॉजी पर शुरुआत की गई थी। लगातार सफलता प्राप्त करते हुए नित्य नई टेक्नोलॉजी को अपने सेंटर में लगाते चले गए। देश विदेशों में जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, ट्रेनिंग लेना, यह इनका हमेशा शौक रहा है। 2008 में 800 स्क्वायर फीट की क्लिनिक को 6000 स्क्वायर फीट की पूरी बिल्डिंग में कन्वर्ट किया था। तभी लेजर मशीन, हेयर ट्रांसप्लांटेशन और एडवांस हेयर स्किन क्लिनिक की शुरुआत इनके द्वारा की गई। 2012 में लोकमत स्क्वायर वर्धा रोड पर गांधीबाग जैसा ही बड़ा क्लिनिक, साथ ही यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल की शुरुआत की है, जो नागपुर में प्रथम ऐसा मॉल है जिसमें सभी तरह के हेल्थ इक्विपमेंट एवं ब्यूटी में लगने वाले सभी तरह की चेयर, फर्नीचर एवं प्रोडक्ट एक छत के नीचे ही उपलब्ध थी। 2013 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ एकेडमी यूनिक इंटरनेशनल की शुरुआत की, जिसमें लगभग 1500 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की कोर्स, 500 से ज्यादा स्टूडेंट को प्राइवेट एकेडमी में कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, नेचुरोपैथी, ब्यूटी एवं हेयर मैनेजमेंट मेकअप के कोर्स सिखाए गए हैं। मीडिया के साथ बड़े बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम लेकर लगभग 5000 लोगों को स्किन हेयर पर विशेष मार्गदर्शन दिया गया। अप्रैल 2017 में राहटी कॉलोनी स्क्वायर पर नई पूरी बिल्डिंग बनाकर वर्धा रोड पर बहुत बड़ा सेंटर इनके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें सभी आधुनिक मशीन एवं स्किन हेयर और वेट लॉस के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इसी के साथ 2010 से 2021 तक 18 राष्ट्रीय एवं 5 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 150 से ज्यादा संस्थाओं द्वारा डॉक्टर रिचा जैन का सम्मान किया जा चुका है। बेस्ट स्किन क्लिनिक, बेस्ट लेजर क्लिनिक, बेस्ट वेट लॉस क्लिनिक, इंटरनेशनल हेल्थ अवार्ड एवं टॉप डॉक्टर इंडिया अवार्ड, बेस्ट कॉस्मेटोलॉजी एवं ट्राइकोलॉजी इन्हें मिल चुके हैं। ISO 9001 से 2015 से इनके क्लिनिक सर्टिफाइड है। 2019 दिसंबर से विश्व स्तर का लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का बड़ा सेटअप टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर चौक पर अति आयुक्त सुविधा युक्त, जिसमें यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक एवं एकेडमी यूनिक इंटरनेशनल चलाया जा रहा है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधा एवं मशीन आज के समय के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जो अपने आप में अद्वितीय है। डॉक्टर रिचा जैन जो है हमारे साथ है आज, पूरी 22 वर्ष जो है आपकी डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक की है। आज क्या बताना चाहोगे इस अवसर पर, कैसी जर्नी थी, मतलब 22 साल की जर्नी है आपकी, क्या बताना चाहोगे? 22 ईयर में मैं ये मानना चाहूँगी कि यदि हमारे मन में सच्ची लगन और कार्य करने की यदि क्षमता है तो मैं अपनी सक्सेस हम जरूर अचीव कर सकते हैं, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि 22 इयर्स में मैंने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत आप लोगों का सबका साथ मिला और बहुत सक्सेस भी मैंने अचीव किया। सक्सेस यदि मैं मानूंगी तो मैंने डेली अपनी क्लिनिक को अपडेट किया, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट किया और काफ़ी सारे लाइफ में मैंने अचीवमेंट्स भी ग्राप किए और न्यू बिल्डिंग्स में, न्यू एम्बियंस में विदर्भवासियों को ट्रीटमेंट भी प्लान किया। बिल्कुल, 22 साल की ये जर्नी जो थी ये इजी जर्नी तो नहीं होगी। जिस तरह का मतलब आपका जो क्लिनिक है आज हम देख रहे हैं कि इतना वेल सेटल हो गया है, सारी जो एक्सेसरीज है वो आपके पास है, तो क्या बताना चाहोगे? कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे अप एंड डाउन तो आए होंगे, तो कहीं ऐसा निराश भी हुए होंगे, तो इस टाइम मतलब क्या बताना चाहोगे? निराश का फेस तो ऐसा है कि सभी को पता है कि 2019 का जो कोविड था, जिसको हम सब ने मार्च 22 से फेस किया, वो हमारे जीवन का सबसे हार्ड फेस था। क्योंकि कभी मैं घर में बैठी नहीं थी और 1-1.5 महीने कंटिन्यूस क्लिनिक को बंद रखना और घर में रहना, तो उस टाइम में मैंने निराश तो बहुत ही क्लिनिकली, पर ये मानूंगी उस टाइम भी मैं अपने आप में मैंने इतना स्पिरिचुअल लर्निंग किया है कि मैं जहाँ से गूगल से जो भी सीख सकती थी तो मैंने बहुत आध्यात्मिक सकती, क्योंकि मैंने मुखार मंथ पर PhD भी किया है, तो उस टाइम में मैंने अपना बहुत नॉलेज ग्रैप किया और एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन इस वर्ल्ड को देने की कोशिश की है कि जिससे जल्द से जल्द हम इस कोविड से जीत जाएं। बिल्कुल, आज भी कोविड की स्थिति वैसी है, लॉकडाउन लग सकता है या लॉकडाउन जैसी स्थिति बन चुकी है, क्या संदेश देना चाहोगे आप?
मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी ज़रूर, पर हमारे साथ में आप सारे डोजेज़ जो कोविड के एंटीकोज डोज हमारे पास है, तो हमको अभी जीवन से हारना नहीं है, हम सबको इसको फेस करना है। पर कोविड की जो गाइडलाइन है उसको मानते हुए इवन ट्रीटमेंट गाइडलाइन भी हमारे पास काफ़ी अच्छी हैं, तो कोविड यदि हमको हो भी जाता है तो लेट मत करिए। लोग गलती जो कर रहे हैं, जो डेथ रेशियो इतना ज़्यादा आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक मैं ये मान रही हूँ कि इसमें लोग फीवर कफ कोल्ड को रहता है उसको निग्लिजेंस करते हैं, दे डोंट गो फॉर द चेकअप, तो वो काफ़ी लेट हो जाते हैं, इस वजह से लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है। यदि वो टाइमिंग अपना ट्रीटमेंट करा लें और टाइमिंग सर्च फास्टली अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें, तो मैं नहीं मानती कि कोविड से डेथ हो सकती है। कोविड के दौरान जो आपके द्वारा ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें किसी तरह के बदलाव या किसी तरह की यूनिकनेस आपके द्वारा लाए गए हैं? डेफिनेटली हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस कोविड के रखे हैं। अभी हमारे सेंटर पे कम्प्लीटली डिस्पोजेबल यूज़ हो रहा है, इवन हम लोग कैप्स मास्क और जितनी भी बेड सीट टॉवल नैपकिन गाउन एवरीथिंग इज़ डिस्पोजेबल, जिससे किसी भी बॉडी का कोई भी रिएक्शन किसी को नहीं लग सके। और जब भी पेशेंट एंटर कर रहे हैं उनसे पूरी रिपोर्ट्स का नॉलेज ले रहे हैं कि आपके यहाँ कोई पॉजिटिव तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके अपॉइंटमेंट फिक्स करने के पहले ही सारे इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर लेते हैं और बहुत प्रिकॉशनली ट्रीट कर रहे हैं। 22 साल की जर्नी में ऐसा कोई किस्सा जो अभी भी यादगार रहा हो? आपने इतने वर्कशॉप अटेंड किए हैं तो क्या बताना चाहूँगा? मैं उसके लिए ये बोलना चाहूँगी कि मैंने जो लर्निंग मलेशिया जाके की थी और साथ में मैंने जब हांगकांग गई थी तो वहाँ पे मैंने हजारों तरह के लेज़र मशीन देखे थे, तब मुझे ये लगा था कि मैं देखिए इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी मैं बहुत पीछे हूँ और मैं ये सब मशीन जल्द से जल्द अपने नागपुर में कैसे ले जाऊँ। तो उस टाइम मुझे एक लगा था कि नहीं, ये लाइफ का बहुत अच्छा फेस है जिसमें मैं बहुत सीख सकती हूँ, और मैंने जब वहाँ सीख के भी आया उसके बाद मेरे को लगभग उतना बड़ा फंड अरेंज करने के लिए 3 ईयर लग गए, पर 3 ईयर में मैंने एफर्ट्स करके 5 मशीन लास्ट ईयर फिर एक साथ बाय किए। तो इट्स अ गुड थिंग, लर्निंग अपॉर्चुनिटी लाइफ में हमेशा होती है और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में कितना भी सीख लें, कॉस्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है कि एवरीडे लर्निंग प्रोसेस है। अभी भी कोई ड्रीम है जो अचीव करना बाकी है? डेफिनेटली मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं ये क्लिनिक नागपुर चलाती हूँ ऐसे ही क्लिनिक मेरे के इंडिया में लगभग सभी जगह ओपन हो। ये मैं आगे जैसे ही कोविड थोड़ा सा कम हो जाता है तो मैं ये वापस एफर्ट्स लगाऊंगी कि मेरे आउटलेट और फ्रेंचाइज सेंटर्स पूरे इंडिया में मैं खोल सकूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 22वीं वर्षगांठ पर। हमारे साथ डॉक्टर ऋचा जैन थी और जिनके हमें पता है कि पूरे विदर्भ ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन्हें सब जानते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर, और आज 22वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।